असल माई डर स्टूडेंट्स आई आम शहजाद वहीद यो बायोलॉजी टीचर यू नो वी स्टार्ट चैप्टर टी टू एंड टूडेस लेक्शन नंबर एट इट इज़ रिगार्डिंग डोमिन जब मैं रिलेशन की बात करूंगा तो ये दो डिफरेंट चीज़ों के दरम्यान में तल्लुक़ की बात होगी तभी तो उस रिलेशन कहा जा रहा है आपको पता है कि एक अजील हमें ओपटेन होता है अपने ग्रेट फादर से और एक दिल हमें ऑप्टेन होते हैं अपनी ग्रेट मदर से तो फिर क्या होगा कि जब ये वाले अलीर्ज आपस में इकट्ठे होंगे तो इनका आपस में एक जंग शुरू होगी आप इसे जंग कह सकते हैं या आप इसे राइट टू फाइट कह सकते हैं किस लिए लड़ना जरूरी है टू गेन योर ओन राइट तो अपना हक हासिल करने के लिए आपको लड़ना ही पड़ता है तो ये जीन्स भी ये अलीर्ज भी आपस में लड़ रही होती हैं तो ड्यूरिंग द वॉर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फाइट वन ऑर्गेनिज्म मे बिकम डोमिनेंट अदर ऑर्गेनिज्म में बिकम रिसव और इट माइट बी पॉसिबल दैट बोथ यू कैन से रिमेन टू गैदर इन द पीसफुल वे और यू कैन से डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं ये रिलेशनशिप कितनी तरह की हो सकती है दो अलील्स के आपस में टू तो कंट्रोल अजीन उसे ही हम स्टडी करने वाले हैं और इस परपज के लिए वी हैव टू जम्प टू द्हाइट वर्ड यस डे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आज डोमिनेंस डोमिनस को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे ये बोला था कि आप लोगों को पता है वी हैव गॉट फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स और ट्वेंटी थ्री आपको मिले थे आपके ग्रेट फादर से और ट्वेंटी थ्री क्रोमोसोम आपको मिले थे आपकी ग्रेट मदर से तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बात कर लेता हूँ कि ये क्रोमोसोम आपके फादर का है और ये जो क्रोमोसोम आपके फादर के हैं उन्हें मैंने पहना दिए फॉर एग्जाम्पल ब्लू कपड़े और ये क्रोमोसोम आपकी ग्रेट मदर का है और इसे बने पिला दिए हैं रेड कपड़े फॉर एग्जाम्पल तो क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स वेरी वेल के क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स के वेरी स्पेसिफिक एड्रेसेस होते हैं और उस पर्टिकुलर एड्रेस को लोकेशन को हम नाम कर देते थे लोकस और इनके प्लूरल को हम लोग बहुत से लोग लॉसी और बहुत से लोग इसे लो, भी बोलते प्लूरल हम जमा की बात करें मैं इन दो तीन के साथ इकट्ठा निशान लगाऊंगा तो ये लोस लोसाए और लॉकी कहलाएंगे तो बात हो रही थी आप लोगों के साथ एक क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ही कैसे लाए करता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम जाहिर है क्रोमोसोम कैसा जोड़ा होता है कि जिसके अंदर स्टेरिंग पैटर्न उसका साइज बल्कि उसके ऊपर जो जीन की टाइप है वो भी क्या रहेगी सेम मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने ये बोला है कि ये क्रोमोसोम है फादर का और इसका ये लोकस नंबर से हम बात कर रहे हैं थ्री है और थ्री लोकस पे जो इंफॉर्मेशन है वो हाइट के बारे में है तो मदर के लोकस नंबर थ्री पर भी इंफॉर्मेशन किसके बारे में होगी हाइट के बारे में ही होगी इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर जीन मींस हाइट को कंट्रोल करने का आधा मैसेज कहां से फादर से और आधा मैसेज कहां से मदर से फर्ज कर लेते हैं कि आपके फादर के पास जो जीन लिखा हुआ था वो क्या था कैपिटल टी राइट और जो आपके मदर के पास लिखा हुआ है वो क्या है वो भी है कैपिटल टी तो आप क्या होंगे कैपिटल टी कैपिटल टी और ऐसा भी जो हो सकता है कि एक के ऊपर कैपिटल ही लिखा हो और दूसरे के ऊपर हो जाए स्मॉल टी yes, ये भी हो सकता है कि सेम लॉकस पे दोनों तरफ क्या हो जाए स्मॉल टी स्मॉल टी इट इज क्वाइट पॉसिबल इसका मतलब यह कि सेम लॉकस के ऊपर मैं तीन डिफरेंट किस्म के अलेलिक पेयर्स लिख सकता हूं यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी कुछ भी हो सकता है राइट right. बात समझ आ रही है अब यहां पर क्या है यहां पे दो कैपिटल जीन्स आपस में इकट्ठे हैं यहां पे एक कैपिटल है और एक लोअर केस लेटर में लिखा हुआ है और यहां पे दोनों ही लोअर केस लेटर में लिखे हुए ये वाले एलील्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं या उनकी क्या क्या पॉसिबल टाइप्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती हैं बेसिकली यही हमारा क्या है डोमिन का टॉपिक है तो लिखते हैं हम लोग कि कितनी किस्म के अट्रैक्शन पॉसिबल है जब एक अलील दूसरे अलील से मिलती है तो पहली बात कि उन केस में हो सकती है एप्सोल्यूट एब्सोल्यूट डोमिनेंस इसका क्या मतलब है कि एक जीन दूसरे जीन पर मुकम्मल तौर पे गालिब है मुकम्मल तौर पे गालिब है एप्सोल्यूट आप इसे कॉम्पलीट भी बोलते हो आपकी बुक ने इसे कॉम्पलीट डोमिनेंस लिखा है इसे आप फॉर एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी तो इस वाले केस में कैपिटल टी हंड्रेड परसेंट डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी और मेन्डिलियन जेनेटिक्स में जितने भी हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए या हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए लकीली फॉर हिम और फॉर आस ये सारे के सारे केसेस कैसे थे कॉम्पलीट डोमिनेंस या एप्सोल्यूट डोमिनेंस राइट और दूसरी टाइप क्या हो सकती है दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंस इसका मतलब ये है कि अब दो जीन्स अपने आप को मुकम्मल तौर पे शो करने में नाकाम हैं राइट कैपिटल टी कैन नॉट कंट्रोल द स्मॉल टी एप्सोल्यूटली रादर कैपिटल टी भी कोई चीज बना रहा है और स्मॉल टी भी कोई चीज बना रहा है और इन दोनों का म्यूचुअल इफेक्ट मुझे कहा नजर आता है इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस में और जो प्रोडक्ट होगी वो इन दोनों के प्रोडक्ट के कहीं मीडियम पर होगी अंडरस्टैंड कराएंगे आप लोगों को एग्जांपल से समझाएंगे नो प्रॉब्लम एट ऑल तो बात आप लोगों की बात हो रही थी कि इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस में दो एक्सट्रीम के दरमियान की चीज बनेगी मिसाल के तौर पर अगर मैं हाइट के रेफरेंस से ही बात कर रहा हूं तो कैपिटल टी क्या बनवा रही थी बहुत ही टॉल ऑर्गेनिज्म और स्मॉल क्या बनवा रही थी बहुत ही डवाफ ऑर्गेज्मी तो डोमिनेंस में क्या होगा कहीं इन दोनों के दरमियान की हाइट बनेगी मिसाल के तो तौर पर अगर एक कंपोनेंट सात फुट का है और दूसरा चार फुट का है तो सात और चार का हाफ अबाउट फाइव एंड हाफ कुछ ऐसा बनेगा तो यही जहां पे नजर आएगा हम लोगों को ऑल दो मैंने एग्जाम्पल आपको गलत दिया लेकिन आपको यहां समझाने के लिए जरूरी है फिर हम देखेंगे नेक्स्ट थिंग पर नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज को डोमेंस नेक्स्ट इज कॉल्ड एज को अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पे दोनों डोमिनेंट इसीलिए हम इसे बोलते हैं को डोमिनेस यहाँ पे कोई भी रिसेसिव नहीं है अगर जो अगर जीन दो जीन्स के की बात कर रहे हैं तो दोनों जींस मैं ना मानू मै ना मानू के प्रिंसिपल पर कायम है और दोनों ही अपनी अपनी बात मनवाने के ऊपर पूरी जिद रखती है। तो रिजल्ट क्या होता है कि जिस मौके पे जिस जीन को शोकने का मौका मिलता है वो अपने आप को हंड्रेड परसेंट डिस्प्ले कराती है राइट एक एरिया में हमें एक जीन मुकम्मल तौर पर गालिब नजर आती है और दूसरी जीन, जीन जो दूसरे एरिया में मुकम्मल तौर पर गालिब नजर आती है लेकिन दोनों जीन अपने अपने इफेक्ट को हंड्रेड परसेंट शो करवा के साथ साथ रहते हैं इसी का नाम क्या है को आपको समझाएंगे एग्जाम्पल देंगे और फोर्थ बात मेरे पास क्या है फोर्थ बात है हमारे स्टूडेंट्स ओवर डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस इसका मतलब ये है कि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रही है ये जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस कर रही है तो जब कोई जीन अपने आप को जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस करवाने में कामयाब हो जाए तो उस किस्म की रिलेशन को हम क्या बोलते हैं ओवर डोमिनेंस तो ये सारी किस्म की रिलेशन को स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड यस वियर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि हम चार डिफरेंट कॉलम्स बना लेते हैं या एरियाज बना लेते हैं जिसमें हम इनको स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि ये मेरे पास एक एप्सोल्यूट डोमिनेंस का केस है इट इज एन केस ऑफ एप्सोल्यूट डोमिनेस राइट मैं क्या करूंगा मैं आप लोगों को समझाने के लिए इन चारों केसेस में सेम अलील को ही डिस्कस करूंगा इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट प्रेजेंट इन योर बुक वो भी डिस्कस करेंगे लेकिन पहले बेस बनानी है फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रेड फ्लावर है और इसको मैं एक वाइट फ्लावर से क्रॉस करा रहा हूं यू नो रेड इज डोमिनेट देर फॉर आई इसको मिलाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर नो ये क्या है फिनोटाइप ये क्या है जीनोटाइप ये क्या है गैमेट्स ये क्या है एफ वन राइट आदत से मजबूर है लिखेंगे रिजल्ट तो जब मैंने लिखा इसका रिजल्ट तो मुझे क्या पता चला कि एफ वन में जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे एक ही तरह के हैं और चूंकि कैपिटल आर स्मॉल और पर पूरे तरीके से गालिब है तो यहां पे हम लिखेंगे कि के के से के से क्या होगा 100 परसेंट रेड प्रोड्यूस होंगे बिकॉज रेड जीन इज और रेड अलील इज 100 परसेंट डोमिनेट ओवर रिसेसिव स्मॉल आर जीन्स, ये मुकम्मल तौर पे गालिब है और ये मुकम्मल तौर पे मगलूब है तो एग्जाम कैसा बनेगा कैपिटल आर की वजह से रेड अब क्या करते हैं अब, अब, अब इस चाहो फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा कि मैं एफ वन को एफ वन से क्रॉस कराऊंगा पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग कोई नई बात नहीं आप लोगों के लिए तो लिखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर प्रॉपर लिखेंगे कि इट इज तो जब मैं एफ वन को एफ वन से क्रॉस कराऊंगा तो जाहिर है अब दो गैमिट इसके बनेंगे और दो गैमिट ही इसके बनेंगे याद रखने वाली बात है हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ भी दो ही बने हैं लेकिन चूंकि दोनों सेम है इसलिए एक दफा लिखने से गुजारा हो सकता है टाइम बच सकता है इसलिए बचाया यहाँ पे मिलाएंगे तो क्या बनेगा कैपिटल आर सर्कल स्मॉल आर सर्कल कैपिटल आर सर्कल एंड स्मॉल आर सर्कल प्रोडक्ट बनेगी मेरे पास कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर तो जो मेरे पास यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो ऑप्टेन हो रही है वो क्या है मेरे पास कि जो रेड है वो कितने हैं तीन और वाइट कितनी हैं एक ये इंपॉर्टेंट बात आपने माइंड में रखनी वाई आई एम सींग रेड आर थ्री ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैपिटल आर ये तो है ही रेड ये भी रेड है और ये भी रेड तो फिनोटाइप के एबार से तीन रेड हैं और एक वाइट है तो रेशो क्या आ गई मेरे पास थ्री रेशो वन ये रेशो आपने अपने माइंड में रखनी है गॉट द पॉइंट हमने क्या बात की है कि जब भी आप लोग का केस देखेंगे तो एफ वन में सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म तो जैसे होंगे और जब आप उनका सेल्फ क्रॉस कराओगे राइट तो फिर रेशो बनेगी फिर टिपिक कौन सी थ्री रेशो वन राइट और अगर मैं बात करूंगा इसकी जीरो रेशो की तो जीनोटिपिक रेशो भी आप लोगों को पता है पढ़े लिखे बच्चे हैं आप लोग के यहां पर रेशो आएगी वन रेशो टू रेशो वन बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि ये जो वन है ये होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए है ये दो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और ये वन होमोजाइगस रिसेसिव है परफेक्ट आप लोग बिल्कुल ठीक बोला तो यहां पर रेशो आती है वन रेशो टू रेशो वन किसकी टाइप की और फिनो टाइप रेशो क्या आ रही है थ्री रेशो वन ये चीज आपने अपने खोपड़ा शरीफ में रखनी है राइट right? अब हम चलते हैं सेकेंड केस की तरफ केस मेरे पास क्या है इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस लिखते हैं यहां पर ताकि आपको समझ आ जाए इन कॉम्प्लीट डोमिनेंस डोमेंस जब हम बात करेंगे इनकॉम्प्लीट डॉमिनेंस की तो मैंने आपसे क्या बोला था कि हम कलर को चेंज नहीं करेंगे जी सॉरी अरीज को चेंज नहीं करेंगे तो वही रखते हैं आप लोगों के लिए यहां पे फ्ला ले रहा हूं मैं रेड और इसको मैं क्रॉस करा रहा हूं किसके साथ वाइट के साथ तो आदत क्या करेंगे सबसे पहले जीरो टाइप लिखेंगे तो पहला टर्ट लिया दो दफा लिख दिया और इसी का लोअर केस बना के यहां लिख दिया राइट अब यह कहिए गैमिट्स बनाएंगे तो गैमिट्स क्या बनेंगे कैपिटल आर सर्कल एंड देन स्मॉल आर सर्कल और इसको मिला देंगे

एक साइंटिस्ट था हिज नेम वॉज कार्ल कॉरेंस वो 1866 में एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसे ये पता चला कि happened, कि स्ट्रेंज थिंग जब मैं रेड और वाइट को क्रॉस कराता हूं एक प्लांट में उसका नाम क्या था मेरे पास उसका नाम था फोरओ प्लांट जब उसने फोरओ प्लांट के रेड को व्हाइट से क्रॉस कराया तो हैरानक तौर पे अब रेड प्रोड्यूस नहीं हुए बल्कि सारे के सारे फ्लावर पिंक प्रोड्यूस हुए इट अ मेडल क्या कर रहा था कि जब भी रेड को वाइट से क्रॉस करता था तो रेड प्रोड्यूस होते थे अब क्या हुआ रेड को व्हाइट से क्रॉस कराया तो पिंक प्रोड्यूस हुए लिखते हैं यहां पर कि यहां पे जो रिजल्ट है वो बता रहा है कि फिनोटाइप के एतबार से फिनोटाइप के एतबार से 100% परसेंट पिंक प्रोड्यूस हुए हैं क्या हुए है? 100% हंड्रेड परसेंट पिंक शायद यहां पे मिक्सिंग हुई है आप यूं समझ लें कि आपके पास दो पेंट हैं और आप एक रेड पेंट के अंदर व्हाइट पेंट को मिक्स कर रहे हो कॉमन सेंस कि जब भी आप रेड पेंट में व्हाइट पेंट को मिक्स करते हो तो पिंक पेंट ही बनता है यही बात मैंने आपको बताई थी कि इनकम्प्लीट के इन केस में क्या हो रहा होता है कि दोनों जीन्स अपनी अपने कंपोनेंट्स को बनाती हैं उन्हें आपस में मिक्स कर देती हैं ये मैंने बात बुरी है कि अगर कोई प्रोटीन ये बना रहा है और कोई प्रोटीन ये बना रहा है तो वो दोनों प्रोटीन्स अपना म्यूचुअल इफेक्ट शो करेंगी अगर ये एक पिगमेंट बना रहा है ये दूसरा पिगमेंट बना रहा है तो ये दोनों पिगमेंट आपस में मिक्सअप हो जाएंगे जीन्स मिक्सअप नहीं होंगी

और जीन का है तो लिख सकते हैं कि इस वाले केस में जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा है 50 50 और अगर मैं इस वाले केस में बात करूं तो यहां पे जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है परहैप्स उसका लेवल है 100 रेशियो जीरो। सो सी द डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्शन ऑफ द जीन्स यहां पे जीन का इंटरेक्शन है 100 और जीरो, यहां पे इंटरेक्शन है 50 50 राइट right? तो जाहिर जब ये 50 बनेगा और ये फिफ्टी बनेगा तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेंटर में आएगा मीन्स रेड और वाइट के सेंटर में क्या आ जाएगा पिंक देखते हैं कि अगर हम इसका F1 F1 कराएं तो क्या होगा देखते एफ वन इंटू एफ वन के लिए कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर लिखेंगे एफ वन इंटू एफ वन राइट तो हसब क्या बनाएंगे इससे गैमेट्स तो गैमेट्स बनेंगे पुराने ही कैपिटल आर सेपरेट स्मॉल आर सेपरेट कैपिटल आर सेपरेट एंड सेपरेट लेता हो जाएगी यू नो यहाँ पे इसलिए करता था कि आपको याद हो जाएगा क्या है वेरी परफेक्ट दीज आर दैमिट्स ऑफ एफ वन ये तो एफ वन के गैमिट्स राइट right. देखो अगर मैं इसको इससे बिला रहा हूं तो कैपिटल आर कैपिटल आर बन रहा है मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा और जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो इससे small R, बनेगा। अगेन, सी डिफरेंस। मतलब है कि मुझे इसके पेपर वर्क में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा चूंकि यहां पे जीन का इंटरेक्शन बदल रहा है तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला ऑर्गेनिज्म होगा मेरे पास कैसा रेड राइट right? और ये जो दो ऑर्गेनिज्म हैं, जहां पे हमें हेड्रोजाइगोसिटी नजर आ रही है वो कैसे बनेंगे पिंक राइट right? और ये जो आखिरी है इट विल बी द वाइट अब अगर मैं बात करूं इसकी फिनोटिपिक रेशो की तो आंसर आएगा वन रेशो टू रेशो वन और अगर मैं बात करूं इसकी जीनोटिपिक रेशो की राइट अगर मैं बात करूं इसकी जीनोटिपिक रेशो की तो वो भी क्या आ रही है वन रेशो टू रेशो वन यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो में कोई फर्क नहीं होता लेकिन डोमिनेंस के केस में फिनोटिपिक रेशियो थी थ्री वन और जीनोटिपिक रेशियो थी वन टू वन सी दिफ्रेंस राइट मैंने सेम रखी हैं लेकिन जब उनका इंट्रेक्शन चेंज होगा तो जाहिर है उनकी रेशियोज और उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा आई थिंक कि आफ्टर स्टडिंग दीज टू क्रॉसेस इन पैरल हाउ जीन्स ऑल दो दे आर द सेम सेम जींस बट वेन दे इंटरक्ट इन अ डिफरेंट वे द प्रोडक्ट विल बी चेंज प्रोडक्ट हमेशा बदल जाएंगी ये हमने देखा इनकॉम्परियोम आए हम सेम जींस को लेते हैं और देखते हैं कि अगर वो जीन्स को डोमिनेंस बिहेव करेंगी तो क्या होगा यस बाइन स्टूडेंट्स वी वॉन्ट टू डिस्कस को डोमिनेंस और uh, हम कोडोमिनेस को ही यहां लिखते हैं को डोमिनेस इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि ये कॉपरेशन है या इकट्ठा रहना है दो डोमिनेंट जीन्स का राइट right? इसका मतलब ये होगा कि अब अगर मैंने क्या करना है फर्ज करते हैं आपसे डिस्कस करते हैं इस तरीके से कि आप लोगों ने दोबारा से एक रेड फ्लावर लिया और आप लोगों ने एक वाइट फ्लावर लिया राइट सो व्हाट इज इट्स जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर और जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि हम क्या करेंगे कि अब हम दो जीन की बात करेंगे तो ऐसा करते हैं कि अब स्मॉलर स्मॉलर की जगह पे यहां पे कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डू लिख लेते हैं राइट right? जब आप ऐसे गैमेट्स बनाएंगे तो यह बनेगा ये और ऐसा कैमेट बन जाएंगे ये राइट right? और ये इकट्ठे हो जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू के अंदर टाइम टू राइट द रिजल्ट ऑफ डेफिनेटली एफ वन ये एफ वन शो शॉर्ट ये क्या था फिरो टाइप ऑफ पी वन ये क्या था जीनोटाइप टाइप ऑफ पी वन और ये क्या है गैमेट्स ऑफ पी वन जब आप मिलेंगे तो क्या बनेगा एफ वन तो जब आप लोगों ने इसको यू कैन से लिखना है इसका रिजल्ट तो क्या नजर आएगा मीन वी वॉन्ट फिनोटिपिक रिजल्ट तो फिनोटाइप के अतबार से देखें क्या हो रहा है ये था मेरे पास एक रेड फ्लावर और ये था मेरे पास एक वाइट फ्लावर। जब इनसे ऑप्टेन होने वाला F1 मुझे ऑप्टेन हुआ तो मुझे पता चला कि इस F1 के अंदर अब एक पंजाबी का वित मित्र इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं कि अगर ये मेरे पास एक पेटल है किसी फ्लावर की तो यहां पे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे क्या बन गई हैं पैचेस बन गई राइट right? कि ये जो रेड रेड पैचेस हैं ये वो एरियाज हैं कि जहां रेड ने अपने आप को पूरे तरीके से शो करवाया है और जो बाकी मेरे पास वाइट एरिया बच गया है वहां पे वाइट जीन ने अपने आप को पूरे तरीके से शो करवाया है राइट right? ऐसा भी हो सकता है कि केस कुछ इस तरह का हो जाए समथिंग लाइक एट कि अब यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे रेड जीन अपने आप को पूरे तरीके से शो करके खुश है और जो सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पे वाइट अपनी डोमिनेंस शो करके मुकम्मल तौर पे खुश है तो यहाँ पे इस तरह का एक वेरीगेटेड सलीफ भी बन सकता है तो ये एरिया बन जाएगा रेड यहाँ पे कैपिटल आर मुकम्मल तौर पे डोमिनेंट है और जब मैं इसकी बात करूँगा तो यहां पे वाइट जीन मुकम्मल तौर पे कैसा है डोमिनेंट राइट right. तो चाहे इस तरह का पैची फ्लावर बने या इस तरह का पैची फ्लावर बने तो जहां पैचेस होंगे वहां पे दूसरा जीन डोमिनेंट होगा अब करते क्या है कि हम इस आर डब्ल्यू को आर डब्ल्यू से ही क्रॉस कराते हैं तो जब मैं आर डब्ल्यू को आर डब्ल्यू से क्रॉस कराऊंगा यानी कि मैं एफ वन को एफ वन से क्रॉस कराऊंगा तो रिजल्ट में मेरे पास क्या बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर डब्ल्यू कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू एंड देब्ल्यू डब्ल्यू रिजल्ट में ये प्रोड्यूस होगा मेरे पास रेड ये प्रोड्यूस हो जाएगा अगेन पैची इसमें पैचेस डेवलप हुए हुए राइट right? और ये बन जाएगा मेरे पास क्या वाइट राइट वाले केस में भी फिनोटपिक रेशियो इज इक्वल टू जीरोपिक रेशियो लेकिन वहाँ पर जीन्स आपस में ब्लेंड अप नहीं उनके प्रोडक्ट आपस में नहीं मिले बल्कि जो इस जीन का प्रोडक्ट है उससे अपने आपको पूरा शो किया एक पॉइंट पर और जो इस जीन का प्रोडक्ट है उससे भी अपने आपको पूरा शो शो किया मगर दूसरे पॉइंट पे लेकिन एक ही पैटर्न में ये दोनों जीन्स अपने आप को हंड्रेड परसेंट शो करके इकट्ठी रह रही है इस जीज का नाम मेरे पास क्या है कोर डोमिन और इसकी एक और बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोगों का ब्लड ग्रुप भी है तो दो साइंटिस्ट हमारे उनमें से एक का नाम था लैंडस्टाइनर लैंड एंड अदर वन लिवाइन। इन्होंने हमें एक और बेस के ग्रुप सिस्टम दिया दैट वॉज रिगार्डिंग दैलेस ऑफ वेरी स्पेसिफिक एंटेजन उन्होंने कहा कि ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया एल के साथ एल उनके अपने नाम से है लिवाइन एंड लैंडस्टेनर तो उन्होंने बोला कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यस yes, कि इस पर्टिकुलरिज्म को अपने फादर की तरफ से भी एम मिला है और मदर की तरफ से भी एम जीन ही मिला है तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप होगा होमोजाइगस एम और जो इसका अदर को जीन है एर एस बेसिकली वाट एन एंड एन राइट इट इज होमोसाइगस एम इट इज होमोसाइगस एन जब आप इनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो इसके सारे गैमेट इस तरह के ये बेसिकली क्रोमोसोम है और ये उसका लोकस है और लोकस के ऊपर जीन शो कर रहे हैं कौन सा है एम तो सारे गैमेट इस तरह के बनेंगे राइट right? और अगर हम इसे कैमिट्स की बात करेंगे तो इस एल क्रोमोसोम के ऊपर सारे के सारे जीन्स कैसे हैं अलील्स कैसे हैं सॉरी एन वाले ये बन गए इनके गैमेट्स तो जब मैं इनको मिलाऊंगा तो उसके रिजल्ट में मेरे पास जो ऑगरिज्म प्रोड्यूस होगा उसका ब्लड ग्रुप ना तो एम होगा और ना ही एन होगा बल्कि इनका ब्लड ग्रुप होगा एम एन इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा हमारी बिकॉज ऑर्गेनिज्म को एक अलील यानी कि एम मिला है अपने फादर की तरफ से और एन मिला है अपनी मदर की तरफ से तो यहाँ पर कैपिटल एम भी अपने को सौ फीसद शो कर रहा है और कैपिटल एन भी अपने आप को सौ फीसद शो कर रहा है तो कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसी है हंड्रेड परसेंट और यहाँ भी कैसी है हंड्रेड परसेंट लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसको यू शो करते हैं कि इस पॉइंट पे अगर ये हंड्रेड परसेंट है तो ये जीरो परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा रेशो लेकिन दूसरे पॉइंट पर अब इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है, 100 और इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है 0%. तो डिस्प्ले के टाइम पे अपनी एग्जीबिशन के टाइम पे ये अपने आप को हंड्रेड परसेंट शो कर रहा है तो किसी और मकाम पे किसी और मकाम पे ये अपने आप को हंड्रेड परसेंट शो कर रहा है तो अगर ऐसा हो तो ये दोनों अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगी और अपने अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपर डिस्प्ले कराएंगी। मैं मिसाल दे रहा हूं आप लोगों को फर्ज कर लेते हैं कि आप लोगों के पास एक आर बी सी फॉर एग्जाम्पल आरबीसी लाइक इट इस आरबीसी के ऊपर क्या अटैच है डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर और उन डिफरेंट किस्म के रिसेप्टर्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की क्या अटैच होती है एंटीजन तो यहां पे अटैच है एंटीजन एम और यहां पे अटैच है एंटीजन एन फॉर एग्जांपल ऐसे लिख लेते राइट right? तो जिस जगह पे मेरे पास एम अटैच है वो, आपको है। है, वो अपने आपको पूरा शो कर रही है और जिस जगह पे मेरे पास एन अटैच है वो भी अपने आप को पूरा शो कर रही है हंड्रेड परसेंट उसमें कोई प्रॉब्लम हरगिज़ भी नहीं है राइट right? तो यहां लिखते हैं हम लोग एम 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 एंड देन एम एन हिस्टर इज ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल एम और दूसरे पॉइंट पे क्या शो करिए आपने आपको एन वी कैन राइट एन ओवर हेयर एन ओवर हेयर एन ओवर हेयर एन ओवर हेयर दिस इज अफुल एग्जाम्पल ऑफ कोर डोमिनेस के मेरे आर बी सी के ऊपर एम जीन भी अपने आपको पूरा शो करवा रहा है और एन जीन भी अपने आपको पूरा शो करवा रहा है अब अगर मैं इनका क्रॉस कराऊंगा आपस में सेल्फ क्रॉस तो क्या होगा एम डॉट एन इन टू एम डॉट एन राइट तो क्या होगा अगर ये वाला चले पहले गैमिश ना लेते हैं ताकि गलती ना हो हमारे से सर्कल देन सर्कल क्रॉस में भी यही है मेरे पास एम सर्कल एन सर्कल अब अगर ये इससे मिलेगा तो मेरे पास कैपिटल एम कैपिटल एम ऑर्गेनिजम प्रोड्यूस होगा कॉमन सेंस मैंने एल नहीं लिखा हुआ यहां you know, इसको फर्टिलाइज करेगा तो मेरे पास एम एन ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा और अगर ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो ब्लड ग्रुप क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स एम एन लेकिन अगर ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो ब्लड एन एन राइट तो में सारे के सारे RBCs के ऊपर एम एंटीजन लगी होगी वाले केस में बिल्कुल इस तरह का आरबीसी बन रहा होगा इस वाले केस में सिर्फ और सिर्फ एन अटैच होगी तो जब ये वाले दो जीन्स, दो डोमिनेंट जीन आपस में इकट्ठे रहेंगे तो हम इसे बोलेंगे इट इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ व्हाट को को डोमिनेंस। और अगर मैं आप लोगों के ब्लड ग्रुप की बात करूं तो आप लोगों के ब्लड ग्रुप में जहां भी ए और बी दोनों एंटीजन आपस में इकट्ठी रहती हैं, तो वहां पर ए बी ब्लड ग्रुप भी डोमिनेंस की एक बेहतरीन मिसाल है क्योंकि उस वक्त आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन भी अपने पूरा शो करवा रही है और बी एंटीजन भी अपने को पूरा शो इज एग्जाम्पल ऑफ वॉट को डोमिनेंस

कैपिटल आर कैपिटल आर 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 स्मॉल स्मॉल फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक फ्रूट फ्लाई है बहुत दफा आप लोगों जिक्र हुआ है इसका लुक एट इट्स इमेज आपके स्पेशल लगवाया है इसका नाम है ड्रॉस मिलानो गेस्ट दिस पर्टिकुलर फ्रूट फ्लाई कैन बी फाउंड इन फ्रूट शॉप इसीलिए हम लोग इसे फ्रूट फ्लाई का नाम भी देते हैं और आप अपने घर में अगर आप कभी अपने घर में भी

कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू राइट अगेन ये भी दो डोमिनेंट जीन का आपस में इंटरेक्शन है राइट right? तो जब आप ऐसा बनाओगे तो क्या बनेंगे कैपिटल आर सर्कल और कैपिटल डब्ल्यू सर्कल राइट फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब ये आपस में मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या बनेगा एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म राइट right? आप लोगों को अगर मैं आप लोगों की बुक के कन्वेंशन मीन उसके स्टाइल की बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है कि जहां कहीं भी हम लोगों ने वाइल्ड जीन की बात करनी हो एक ऐसे जीन की जो किसी पॉपुलेशन में डोमिनेटली प्रिवेल कर रहा है पाया जाता है तो उसके लिए हम आमतौर पर रिसेसिव जीन को लेकर उसके ऊपर प्लस लिख देते हैं यानी कि इसका मतलब ये होगा कि वाइट जीन्स दैट इज म्यूटेंट वन इसका नॉर्मल जीन कैसा होगा इसका नॉर्मल जीन होगा स्टूडेंट्स डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस यानी के रेड जीन इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस मैं फिर बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए ये वाली बात कि आपकी बुक जेनेटिक्स का एक और कन्वेंशन एक और स्टाइल क्या है कि मैंने ये बताना हो कि ये म्यूटेंट जीन है एबनॉर्मल जीन है रिसेसिव जीन है, जो बाद में पैदा हुआ है पॉपुलेशन में भी उसका नंबर कम है वो फॉर एग्जांपल अगर डब्ल्यू डब्ल्यू है कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है और मैंने शो करना है कि उसका नॉर्मल जीन वाइल्ड जीन कौन सा है तो मैं क्या करूंगा इस म्यूटेंट के ऊपर प्लस डाल दूंगा दिस प्लस इज बेसिकली रिफ्लेक्टिंग इट्स वाइल्डनेस इसके वाइल्ड होने का निशान है प्रेजेंस ऑफ प्लस ऑन द टॉप ठीक है तो दिस पर्टिकुलर प्लस इज इन डिपिक्टिंग रेड कलर इसलिए आप इसके जीनोटाइप टाइप को ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें सिमिलरली आप इसके गैमीट को ऐसे लिख लें या फिर आप लोग इसे ऐसे लिख लें वन एंड द सेम थिंग आपको कन्वेंशन बुक की फॉलो करनी है लेकिन कॉन्सेप्ट यही लेना है कि कैपिटल डब्ल्यू इज स्टैंडिंग फॉर रेड आई वेयर एज इट्स म्यूटेंट जीन इज दैट इज नॉट नॉर्मल दैट इज नॉट वाइल्ड इट हैज लॉस्ट इट्स प्लस इसका प्लस खत्म हो गया तो ये म्यूटेट हो गया और म्यूटेट होने का मतलब है कि वो व्हाइट कलर का हो गया तो चाहे आप इसके आंसर को ऐसे लिख लें डियर स्टूडेंट्स या आप लोग इसको ऐसे लिख लें एक ही बात है कैपिटल डब्ल्यू प्लस एंड सिंपल डब्ल्यू दोनों दोनों के दोनों हेट्रोजाइगस हैं किसके लिए फॉर रेड कलर ऑफ आइस फॉर रेड आइस राइट अब यहां पे जो प्रोडक्ट टेन हुई जब मैंने उसे गौर से देखा तो मुझे पता चला कि इसकी आइस तो रेड आई से भी ज्यादा फ्लोरिसेंट है ज्यादा चमकदार है तो मुझे क्या याद आया मुझे गालिब का एक शेर याद आ गया मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे यानी कि देखना यह है कि जब ये दो चीज इकट्ठे होते हैं तो रंग क्या बनता है राइट तो हमने ही देखा कि जब ये दो चीज आपस में इकट्ठे हुए मीज हेट्रोजा फॉर्म में आए तो रंग चोखा हो गया आई थिंक अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ चोखा और ज्यादा चमकदार हो गया शार्प हो गया तो अगर मैं कंपेयर करूं डब्ल्यू को तो वो क्या है एक वाइट आई है और जब मैं सिंपल डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस की बात करता तो वो नॉर्मल सा रेड है लुक एट दिस इमेज ये नॉर्मल सा रेड है इसमें चमक बहुत कम है लेकिन जब मैं को देखता हूं तो मुझे क्या पता चलता है कि यहां तो तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे तो रंग ही बदल गया जब ये जीज इकट्ठे हुए तो क्या हो गया रंग ही बदल गया और ये हो गई मच मच मोर फ्लोरिसेंट रेड इतना रेडनेस हुआ कि के शादा ये मैरून लगना शुरू हो गया या ब्राउन लगना शुरू हो गया इस वाले केस में किसी जीन एक्टिविटी को एनहांस कर रही है को बढ़ा रही है इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं ओवर डोमिनेंस। और क्या होगा कि जब मैं इस पर्टिकुलर जीन इस पर्टिकुलर W प्लस W को W प्लस W से यानी के F1 को F1 से क्रॉस कराऊंगा तो क्या होगा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी दिस वन यानी कि डब्ल्यू प्लस प्लस इट विल और इट्स आईज़ विल हैव नॉर्मल रेड कलर लेकिन जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा w प्लस w मींस हेटेरोजाइगस ठीक और फिर जब हम इसको इससे मिलाएंगे इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा वही w प्लस w और फाइनली जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो बनेगा w एंड w राइट right? तो ये वाला ऑर्गेनिज्म भी कैसा है नॉर्मल ये वाला ऑर्गेनिज्म भी कैसा है नॉर्मल मीज इसे रेड होना चाहिए था ये रेड ही है इसे वाइट होना चाहिए था ये वाइट ही है लेकिन इनके रंग को देखो क्या हुआ ये जरूरत से ज्यादा फ्लोरिसेंट हो गए तो ये दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म ओवर डोमिनेस की बेस्ट एग्जैंपल है राइट सो इसका मतलब ये हुआ कि जीन्स चार तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास जीन ए है और दूसरा जीन बी है तो मुमकिन है जीन ए बी पर मुकम्मल तौर तो पर गालिब हो दूसरे केस में क्या हो सकता है कि दोनों जीन्स 50-50 कंट्रीब्यूशन करें ए भी 50 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करे और बी भी 50 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करे और ए और बी का इंटरमीडिएट कलर या जो भी इफेक्ट है वो मुझे नज़र आ रहा हो इट इज कॉल्ड एज अ इंटरेक्शन नंबर टू इट इज अ टाइप ऑफ इनकम्प्लीट डॉमिनेंस तीसरे में क्या होगा कि ए भी अपने आपको हंड्रेड परसेंट शो करे और बी भी अपने आप हंड्रेड परसेंट शो करे लेकिन वो क्या है कि जब दो चीज आपस में इकट्ठे रहते हैं तो वो मिले तो रंग ही बदल जाए दिस इज एग्जांपल ऑफ ओवर डॉमिनंस राइट तो माय डियर स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास चार डिफरेंट तरह की क्या जीन इंटरक्शन जब मैं इंटरेस्टिंग को स्टडी कर रहा था तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पढ़ने को मिली रिगार्डिंग इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस और आपको पता है हमने पढ़ी थी बोर्ड टू पे तो मूव करते हैं बोर्ड टू पर वहां पर इस इंटरेस्टिंग बात को दोबारा डिस्कस करते हैं यस माय डियर स्टूडेंट्स बात हो रही थी आप लोगों से इनकॉम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में तो यहां से आ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए फ्लो में आगे चला गया यहाँ की एक बड़ी खूबसूरत एप्लीकेशन कमर्शियल एप्लीकेशन जिसमें इंसान के नेचर भी थोड़ी सी वाजी होती है यहाँ पे देखी कि हमारे पास एक मुर्गी थी उसका नाम था फाउल इमेजेस देयर ये जो मेरे पास एंड फाउल है ये दो डिफरेंट कलर में अवेलेबल है वन ऑफ इज कॉल्ड एज ब्लैक अदर वन इज वाइट ठीक है जहरा जो ब्लैक है वो परफेक्ट ब्लैक नहीं है जो वाइट है वो परफेक्ट वाइट नहीं है बहरहाल इसकी दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हमने क्या किया कि जब हम लोगों ने इनको क्रॉस करवाया तो मेरे पास ऑबटेन हुई क्या ग्रे या ब्लू किस्म की फ़ाउल लुक एट दिस आपको नज़र आ रही है यहाँ पे तो जब मैं ब्लैक फाउल को रेड फाउल को और ग्रे या ब्लू फाउल तीनों को लेकर मार्केट में गया तो खूबसूरती की वजह से जो ग्रे फाउल थी उसकी मुझे प्राइस ज़्यादा मिली एज़ कंपेयर टू किसके वाइट और ब्लैक फाउल तो भी के तो तारे को आशिफे फरमाया ना कि लकत नल इन सारा हरी सा हमने इंसान को लालची पैदा किया है तो इंसान का आज यहां भी नजर आया उसने क्या किया कि वो अपने प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उसने किल करना शुरू कर दी रेड सॉरी ब्लैक और वाइट फाउल बाकी बचा के रखी कौन सी फाउल ग्रे फाउल या ब्लू फाउल अब हुआ ये कि अगर मैं यहां से अप्लाई करके देखूं, फर्ज कर लेते हैं कि ये मेरे पास एक ब्लैक फाउल है तो कैपिटल तो बी तो यहां पे ऑप्टेन होगी मेरे पास क्या कैपिटल बी स्मॉल बी समझ आ रही है मेरी बात की इसका मतलब ये होगा कि ये जो एफ वन में फाउल ऑप्टेन हुई वो कैसी थी ब्लू और ग्रे समझ आ रही है मेरी बात जब मैंने इस F1 को F1 से क्रॉस कराया यानी कि कैपिटल बी स्मॉल बी को कैपिटल बी स्मॉल बी से क्रॉस कराया तो रिजल्ट में क्या हुआ मेरे पास कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी स्मॉल बी यानी कि मेरे पास एक आई ब्लैक और एक आई क्या सॉरी दो आई क्या ब्लू या ग्रे और एक आ गई क्या व्हाइट समझ आ रही है ना तो इस तरीके से हम किलना हमने किलना शुरू किया था रेड को और वाइट को ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आए फाउल आए कौन सी कौन सी फाउल आए मेरे पास ग्रे या ब्लू लेकिन उन फार्मर्स ने या उन पोल्ट्री फार्मर्स ने जब इनका आपस में क्रॉस कराया तो जिस चीज से वो जान छोड़ना चाह रहे थे वो दोबारा अपीयर हो गई कॉमन सेंस यहां पे कैपिटल भी कैपिटल क्या थी ब्लैक और वो तो ब्लैक को मार के बैठे हुए थे यहां पे क्या हो गई वाइट वो तो वाइट को मार रहे थे और अगर वो सेंसिबल होते तो वो रेड और वाइट को कभी भी ना मारते लेकिन जरा वो जर्ट्रिस्ट तो नहीं थे वो तो नॉर्मल फार्मर थे वो अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करके चल रहे थे लेकिन अगर वो चाहते कि उनके पास मैक्सिमम अमाउंट में ग्रे या ब्लू फाउल प्रोड्यूस हो मुर्गियाँ प्रोड्यूस हो तो उन्हें हमेशा रेड को वाइट से ही क्रॉस करवाना चाहिए था तो फिर उनके पास आती हंड्रेड परसेंट फाउल और जबकि यहाँ पे क्या आ रही थी सिर्फ फिफ्टी परसेंट फाउल और ये उनका वेस्ट जा रहा था उनके नफ़े में कमी आ रही थी तो बहरहाल ये एक और यू कैन से पर्टिकल एप्लीकेशन थी रिगार्डिंग दिस इनकम्पलीट डोमिनेंस सो दैट्स इट विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर दैट इज परटेनिंग टू डोमिनेस रिलेशन आई होप कि इतने डिटेल्ड प्रोसेस के बाद आपको ये वाला कॉन्सेप्ट के जीन्स या अलीरज आपस में कैसेट करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स से क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकती हैं यू विल गेन मैक्मम मार्क्स राइट आई होप कि जब आप दुआ करेंगे हमारे लिए भी दुआ करेंगे और अपने और अपने ग्रेट पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखेंगे आई वॉन्ट टू से